हे गाइस सर, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी अजीब से दिखने वाली थ्री व्हीलर गाड़ी के बारे में जो कि 70 और 80 के दशक में भारतीय सड़कों में ट्रांसपोर्टेशन की किंग हुआ करती थी। और उस टाइम पे ये गाड़ी शेयरिंग ऑटो के विकल्प के तौर पर जानी जाती थी, क्योंकि उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह परिवहन के लिए महिंद्रा की जीप या फिर यह थ्री व्हीलर खासी लोकप्रिय हुआ करती थी। वैसे इस गाड़ी को देश के विभिन्न राज्यों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, जैसे कि डुक्कर, सुंगरा, कौवा, गणेश, भटसुअर और टेम्पो। पर वास्तव में इस गाड़ी का नाम था हैंडसेट, जो कि जर्मन ऑटोमोबाइल कंपनी टेम्पो के द्वारा 1930 के दशक में डेवलप किया गया था। और इसका नाम दिया गया था हैंडसेट, जिसे डेवलप किया गया था एक थ्री व्हीलर मोटरसाइकिल के रूप में, जहां पे इसका सामने की तरफ लोडिंग एरिया हुआ करता था। बाद में इसे मॉडिफाई करके इसके लोडिंग एरिया को पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया गया और एक प्रॉपर पिकअप ट्रक वाला लुक इसे दिया गया। जहाँ से शुरुआत हुई इसकी पॉपुलैरिटी की, उसके बाद इसे फायर ट्रक, एम्बुलेंस, पर्सनल कार और टैक्सी के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा। एक समय में यह गाड़ी टेम्पो कंपनी की फ्लैगशिप व्हीकल हुआ करती थी और इसे द्वितीय विश्व युद्ध में भी एज अ एम्बुलेंस यूज किया गया था। फिर 1947 में देश की आज़ादी के बाद बजाज कंपनी ने टेम्पो से एग्रीमेंट के बाद महाराष्ट्र से 1958 तक इस गाड़ी का उत्पादन देश में शुरू कर दिया था। बात करें अगर इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, तो इस गाड़ी में सामने की तरफ 452 सीसी का टू स्ट्रोक डबल सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिला करता था, जो कि मैक्सिमम 20 bhp की पावर प्रोड्यूस किया करता था। पर 1975 के लगभग देश में इसके पेट्रोल इंजन को रिप्लेस कर उसकी जगह पर डीजल मोटर या डीजल इंजन फिट किए जाने लगे। यही कारण है कि इस गाड़ी में सेल्फ स्टार्ट का ऑप्शन नहीं मिलता था। इसके इंजन में लगे पुल्ली को रस्सी से खींचकर ही इस गाड़ी को स्टार्ट किया जाता था, जिसकी वजह से ड्राइवर हमेशा अपने पास एक रस्सी कैरी किए चलता था। और अगर इस गाड़ी के सीटिंग कैपेसिटी की बात करें, तो इस गाड़ी में टोटल 3 रोज देखने को मिल जाते थे और इस गाड़ी में 15 लोगों को भी सफर करते हुए देखा जा सकता था। मतलब जिसको जहां जगह मिलती वो वहीं टिक खा के चल लेता था। एक थ्री व्हीलर गाड़ी होने के बावजूद इसमें स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलता था और इसका गियर लीवर भी इसके सेंटर कंसोल या डैशबोर्ड में देखने को मिलता था। और समय के साथ देश में ऑटो सेक्टर के डेवलप होने के बाद इस गाड़ी की जगह मिनी बस, मिनी डोर या ऑटो रिक्शा ने लेना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे मोटर व्हीकल एक्ट के कड़ाई से लागू करने के बाद इस गाड़ी को देश में पूरी तरह से बैन कर दिया गया। भारत में यह गाड़ी पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में खासतौर पर चला करती थी। छत्तीसगढ़ में यह गाड़ी भिलाई पावर हाउस में खास तौर पर दिख जाया करती थी। तो अगर आपने भी बचपन में इस गाड़ी की सवारी की है और इस गाड़ी से जुड़े हुए आपके बहुत अच्छे या बुरे अनुभव हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। और अगर आपको इस गाड़ी से रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता के जाइए, आपका मोस्ट वेलकम है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।